नमस्कार, मैं गौरव श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं नया लुक। आज मैं आपको एक ऐसी घटना से रूबरू कराने वाला हूं जो आपके होश उड़ा देगी। यदि आप परिवहन निगम की यात्रा करते हैं, परिवहन निगम की सेवाओं का लुप्त उठाते हैं, तो आज आपके रोंगटे खड़े होने वाले हैं। उत्तर प्रदेश की परिवहन व्यवस्था लगभग 15 लाख यात्रियों को प्रतिदिन उनके गंतव्य तक पहुंचाने का काम करती है। लोगों को उनकी दिनचर्या, रोजमर्रा की आवश्यकता अनुसार जरूरतों को पूरा करने का काम करती है। लेकिन आज जो खबर मिली है काफी शर्मसार भी करने वाली है और काफी दुखद भी है। आज के दिन ही 2 बसों के पहियों के नट बोल्ट खुल जाना काफी दुखद है। समस्या राप्ती नगर डिपो के पिंक सेवा बस में UP 78FN 1989 बस में यात्रा करने के दौरान ही चलते चलते बस के पहिए खुल जाते हैं और मामला यहीं तक नहीं थमता। उसके अलावा सबसे ज्यादा शर्मसार कर देने वाली बात यह है कि एक ही दिन किसी 2 डिपो की बसों के नट बोल्ट खुल जाना कहीं ना कहीं परिवहन निगम के लिए भी काफी शर्मिंदगी जैसी बात हो गई है। अवध डिपो की बस संख्या 9124, ये दोनों ही बसें एक गोरखपुर से और एक लखनऊ से दिल्ली के लिए रवाना हुई थी। यात्रियों को भरोसा था कि परिवहन निगम की बसों में हम बैठेंगे तो आरामदायक भी यात्रा करेंगे, सुरक्षित भी यात्रा करेंगे और आराम से समय से अपने गंतव्य तक पहुंचेंगे। लेकिन उनके इन हौसलों को, उनका यह सोचना परिवहन निगम के वर्कशॉप के अधिकारियों ने पानी फेरने का जैसा काम किया। राप्ती नगर डिपो की पिंक सेवा बस 1989 रास्ते में पहिया जब बैरिंग तोड़ कर निकली ऐसे होते हुए यहाँ पहिया फेंक दिया है। पहिया फेंकने के बाद फिर गाड़ी आगे निकली जो और रगड़ते हुए पहिया निकलने के बाद रगड़ते हुए पहिया भागते हुए जाकर पहिया वहाँ गिरी है। पहिया आगे निकल करके यहाँ पड़ गई, यहाँ पहिया पड़ा हुआ है। गाड़ी हमारी केम पर रगड़ते हुए, ब्रेक लाइनिंग पर रगड़ते हुए यहाँ स्थिति है। बैरिंग सारी तोड़ डाली है, बस संख्या इतनी, उसका एक लट्टू एक साइड में है। गोरखपुर से गाड़ी बहुत सही एकदम एक साइड में से बच गई, एकदम पटरी पे पड़ी हुई है गाड़ी। अरे मरने से बच गए आप लोग। गाड़ी रगड़ते हुए बैरिंग की स्थिति है, बैरिंग पूरा मिस करके, ये देखिए बैरिंग ऐसे मिस करके पूरा जाम हो गया। गाड़ी हमारी एकदम सेफ बची है, कहीं कुछ नहीं, क्यों जो भी डिफेक्ट आया है पहिए से आया है। गाड़ी एकदम फर्श पकड़ ली है, जो है गाड़ी फर्श पकड़ ली है। कटिया मत फोर्स आ गई है, पूरी व्यवस्था कर रहे हैं। हाला मैं परिचालक संगम शर्मा गोरखपुर से दिल्ली जा रहा था, Exit 139 लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पे गाड़ी का अगला चक्का निकल करके बाहर हो गया, जिससे सभी यात्री बाल बाल बच गए। किसी तरह दूसरी बस में सारे यात्रियों को ट्रांसफर किया गया। महोदय निवेदन है कि गाड़ी को तुरंत बनवाने की कृपा करें। मामला इन 2 डिपो की बसों का है और दिल्ली जाते समय पिंक सेवा बस की आगे पहिए का नट बोल्ट खुल जाने के कारण लगभग 200 मीटर दूर पहिया जाकर गिरा। कुछ ऐसी ही स्थिति अवध डिपो की जनरथ
बस के साथ भी घटी, जिसका पिछला पहिया खुल जाने के कारण लगभग 200 मीटर दूर जाकर पहिया रुका। दोनों ही डिपो के एआरएम से बात करने पर मालूम चला कि कार्रवाई अभी भी प्रोसीडिंग में है। कार्रवाई पर एआरएम महोदय, सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक महोदय ने संज्ञान लिया है और कार्रवाई के प्रक्रिया को आगे बढ़ा रहे हैं। बड़ी ही ताज्जुब कर देने वाली घटना है, जो यात्रियों के लिए महफूज नहीं है। ऐसे आलाकमान से सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक महोदय को समय रहते सवाल जवाब पूछने चाहिए। उनसे यह पूछना चाहिए था कि किसने गाड़ियों को चेक किया और किसकी फिटनेस के बाद इन वाहनों को रूट पर भेजा गया। क्योंकि एक साथ बसों में 50 से 52 यात्री सफर करते हैं और दो बसों का यदि जोड़ा जाए तो लगभग 100 यात्रियों की जिंदगी को जोखिम में डालना कहीं ना कहीं एक दुर्भाग्यपूर्ण और निंदा का विषय भी है। सिर्फ पहिया खुल जाने से ही परिवहन निगम की असलियत बाहर खुलकर आ गई। परिवहन निगम के वर्कशॉप में तैनात फोरमैन हो या फिर चेकिंग करने वाले कार्मिक हो, उनकी असलियत और उनके काम करने का ढंग, उनकी मेंटेनेंस की व्यवस्था को भी सामने पोल खोलकर खड़ा करता है। क्योंकि पहियों का खुल जाना इतना सहज तो नहीं है, लेकिन यदि इसी जगह पर कोई विभत्स घटना घटती तो जाहिर सी बात है उन 100 परिवारों में त्राही त्राही मचने से कोई नहीं रोक सकता था। जिस तरीके से इस तरह की अक्षम्य वारदातों को अंजाम दिया जा रहा है, अक्षम्य घटनाएं घट रही हैं, उससे लगातार यह कहा जा सकता है, इससे चूका नहीं जा सकता कि यमराज का साया भी काल बनकर बसों के साथ दौड़ता रहता है। सीजीएमटी जयदीप वर्मा जी से जब बात की हमारी टीम ने, तो उन्होंने यह स्पष्ट किया कि उनको मामले की जानकारी ही नहीं थी। बहरहाल जानकारी को संज्ञान में लेकर के उन्होंने कार्रवाई का पूरा आश्वासन दिया। हेलो जी भैया, नमस्कार। हाँ नमस्ते, कौन बोल रहे हैं? भैया गौरव श्रीवास्तव बोल रहा हूँ, पॉलिटिकल जर्नलिस्ट नया लुक न्यूज से। अच्छा अच्छा, नमस्ते, बताइए। आपका फोन आ रहा था। जी 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 भैया, फोन कर रहा था आपको। जी बताइए। खबर के संबंध में एक वर्जन चाहिए था भैया। कौन सी खबर? दो बसों के भैया पहिए खुल के बाहर हो गए थे आज आगरा एक्सप्रेसवे पे। कब हो गए साहब? आज रात में ही। एक राप्ती नगर डिपो की पिंक सेवा थी और एक अवध डिपो की जनरथ बस थी। राप्ती नगर और अवध डिपो के पहिए बाहर हो गए? जी, दो बसों के पहिए बाहर हुए हैं। राप्ती नगर डिपो का अगला ही पहिया बाहर हो गया और जनरथ का पीछे का पहिया बाहर हुआ है। कोई एक्सीडेंट हुआ है या वो? नहीं नहीं, कोई एक्सीडेंट नहीं, चलते चलते भैया। अच्छा, मैं पूछ लेता हूँ संबंधित सेवा प्रबंधक से अभी बात करके। अच्छा, अगर आपके पास कोई डिटेल हो तो व्हाट्सएप कर दीजिए मुझे। जी, मैं आपको व्हाट्सएप कर देता हूँ भैया। मैंने एआरएम, दोनों एआरएम महोदय से भी बात की है। हाँ, लेकिन बहुत ज्यादा मतलब संतोषजनक जवाब मिला नहीं। कार्रवाई चल रही है और सबसे दुखद घटना ये है भैया कि परिवहन निगम लाखों यात्रियों को प्रतिदिन सफर कराता है और ऐसी स्थिति में यदि सड़क पर पहिए और नट बोल्ट खुलने लगेंगे तो बड़ी नहीं, बिल्कुल अच्छा मैं है, इस पे तो कार्रवाई होगी जी। और वो आप अगर मुझे डिटेल अभी शेयर कर लें तो हम अभी इसको कुछ करते हैं। इसमें जो संबंधित है, सेवा प्रबंधक की जिम्मेदारी भी है, बिल्कुल, और वो जांच करके कार्रवाई की जाएगी। मैं आपको व्हाट्सएप कर रहा हूँ भैया, व्हाट्सएप कर। बिल्कुल कर दीजिए, बिल्कुल कर दीजिए। ठीक है भैया, नमस्कार भैया। और मैं यही उम्मीद करता हूं इस चैनल के माध्यम से कि निश्चित तौर पर जिम्मेदारों पर कार्रवाई होगी। जितने भी इस मामले के जिम्मेदार हैं, यह दो बसों को एग्जाम्पल के तौर पर देखा जाना चाहिए, उदाहरण के तौर पर देखा जाना चाहिए। यदि ऐसे ही घटनाएं घटती रहेंगी तो आने वाले समय में समस्याएं और विकट रूप लेंगी। इसलिए मैं प्रदेश के परिवहन निगम के जिम्मेदार अधिकारियों और प्रबंध निदेशक महोदय से चाहूंगा कि वह इस मामले को संज्ञान लेकर के गहनता से जांच कर कार्रवाई करें। लगातार खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए नया लुक। तब तक के लिए नमस्कार।